हिमाचल प्रदेश अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति, सुंदरता और अनोखे रीति रिवाज हर किसी को अपनी ओर खींच लेते हैं। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है देवी देवताओं का घर और जिसके हर कण कण में स्वयं भगवान विराजमान रहते हों। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे मंदिर में ले चलते हैं जिसके चमत्कार को पूरी दुनिया मानती है। और यह मंदिर सबसे अनोखा है क्योंकि इस मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पूजा होती है भूमि के गर्भ से निकलने वाली अखंड ज्वाला की। दुनिया के 51 शक्ति पीठों में श्री ज्वालामुखी मंदिर की मान्यता सबसे बड़ी है। मंदिर में 9 ज्वालाएं विद्यमान हैं, जहां श्रद्धालु इन ज्वालाओं का पूजन करते हैं, जिन्हें देवी सती के रूप में माना जाता है। अगर इस मंदिर की लोकेशन की बात करें तो यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पड़ता है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, इसके पीछे भी एक पूरी कहानी मौजूद है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती का जन्म तब हुआ था जब देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति जमीन पर केंद्रित कर दी थी। देवी सती का जन्म और पालन पोषण प्रजापति दक्ष ने किया और उसके बाद उन्होंने भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। राजा द्वारा किए गए विशाल यज्ञ में उनकी बेटी सती और भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था। माता सती बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन अपने पति महादेव जी के अपमान के कारण उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपने शरीर त्याग दिया। उसके बाद महादेव जी के भयानक रूप को देखकर देवताओं ने भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की। पूरी सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए विष्णु जी ने माता सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और जहाँ शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। जिस स्थान पर माता सती की जीभा गिरी थी, देवी ज्वाला के रूप में प्रकट हुई। यह स्थान श्री ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के इतिहास से एक किस्सा अकबर और ध्यानु भक्त से जुड़ा है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार ध्यानु भक्त 1000 से भी अधिक यात्रियों के साथ माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर के पूछे जाने पर ध्यानु भक्त ने ज्वाला माता के बारे में उन्हें बताया। इसके बाद अकबर ने ध्यानु की भक्ति और ज्वाला माता की शक्ति देखने के लिए ध्यानु के घोड़े की गर्दन काट दी और देवी से कहकर उसे दोबारा से जिंदा करने के कहा। इसके बाद ध्यानु ने बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े का सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने बात मान ली और उन्हें यात्रा करने की अनुमति दे दी गई। इसके बाद ध्यानु भक्त अपने साथियों के साथ माता के दरबार पहुंचा और घोड़े को फिर से जिंदा करने की माता से प्रार्थना की। माता ने ध्यानु भक्त की भक्ति से खुश होकर घोड़े को दोबारा से जिंदा कर दिया। यह सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर फिर उसके मन में शंका हुई और उसने ज्वाला को बुझाने के लिए नदी के रुख को मंदिर की तरफ मोड़ दिया, लेकिन माता की ज्वाला निरंतर लगातार जलती रही। तब जाकर अकबर को माँ की महिमा पर यकीन हुआ और उसने 125 मन यानी के 50 किलो का सोने का छतर माता को भेंट किया। अब राजा अकबर को अहंकार हो गया था कि मैंने सबसे बड़ा सोने का छतर चढ़ाया है। उसके बाद आसमान से बिजली की लहर आई और सोने के छतर को एक ऐसी धातु में बदल दिया जिसका आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं कि ये कौन सी धातु है। और इस धातु को अंतिम क्षण में अष्ट धातु का नाम दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी माता के दर्शन पाना चाहते हो तो आप यहां बस के द्वारा और पास में गग्गल एयरपोर्ट है, आप यहां हवाई जहाज से भी आ सकते हो और माता के पावन चरणों में माथा टेक सकते हो। ऐसा माना जाता है कि माता ज्वाला के यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं वह पूरी हो जाती है।
अगर आप भी माँ से मन्नत मांगना चाहते हो तो आप भी एक बार इस मंदिर में जरूर आएं। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय ज्वाला माता।